हाय गाइस, गर्मी आ चुके हैं और फ़ोन हीट होना शुरू हो चुके हैं। हमारा आईफोन भी हीट हो रहा है। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आईफोन को हीट होने से बचाएं और साथ में कुछ टिप्स भी बताऊंगा। पहले आपको सेटिंग्स बताऊंगा जो कि आपके फ़ोन को हीट होने से बचाएंगी, और उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने फ़ोन को हीट होने से बचा सकते हो। हीट होने से आपकी जो है बैटरी हेल्थ ख़राब होती है। अगर आप हीट होने से अपने फ़ोन को बचाओगे तो आपकी बैटरी भी ज़्यादा चलेगी और इसकी बैटरी हेल्थ मेंटेन रहेगी। और गाइस, यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिखा देता हूँ। न्यू दिल्ली का आज है 32 डिग्री, और टेम्परेचर जो आज बारिश भी हुई है बहुत सारी जगहों पर। मैं हिमाचल से हूँ तो आपको हिमाचल का भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू दिल्ली का पिछले दिन 38 डिग्री था, जो कि बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर अब आपको अपने हिमाचल का दिखाता हूँ, तो मैं माई लोकेशन पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे इधर का टेम्परेचर 21 डिग्री और येस्टरडे 31 था। तो मेरा फ़ोन भी थोड़ा बहुत हीट हो रहा था, जैसे गर्मी आई तो मैंने भी अपने फ़ोन की थोड़ी बहुत सेटिंग्स चेंज की और मैं अपने फ़ोन को मेंटेन रखता हूँ, ज़्यादा हीट होने नहीं देता हूँ। फ़ोन हीट होने से हमारी बैटरी हेल्थ ही नहीं, इसके अलावा हमारी परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ता है लॉन्ग टर्म पर। जो हमारा प्रोसेसर होता है वो भी जल्दी हीट होता है, किसी भी फ़ोन का हो चाहे फिर वो आईफोन का ही क्यों ना हो, तो उससे जो परफॉर्मेंस भी गिरती है धीरे धीरे करके। तो फ़ोन को ज़्यादा हीट नहीं होना देना चाहिए। सो बहुत सारे नए यूज़र होते हैं जिन्होंने नए नए आईफोन लिया होता है। मेरे फ्रेंड की भी कॉल आई थी कुछ दिनों पहले, तो वो भी कह रहा कि फोन हीट हो रहा है, तो मैंने उससे बहुत कुछ बताया। तो यहां पर इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में कवर कर दूंगा कि आपने अपने फोन को कैसे हीट होने से बचाना है। तो चलो गाइस, अभी आपको जल्दी से सेटिंग्स बता देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले सेटिंग है, आ जाओ भाई सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपने आना है जर्नल में, और यहाँ पर बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में आपने आना है। तो यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन है जो भी आपने इंस्टॉल करके रखे हैं आपके डिवाइस में, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश है, ये काम करता है जैसे आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो तो वो बैकग्राउंड में वर्क करती रहती है। तो यहाँ पर कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, और कुछ ऐप्स ऐसे होती हैं जो हमें नहीं चाहिए कि बैकग्राउंड में काम करते रहे, वो बस फोकट की बैटरी ही खाती हैं। तो जैसे यहाँ पर फेसबुक मुझे नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में हमारी बैटरी खाती है। और बाकी बहुत सारी ऐप्स हैं जो मुझे बैकग्राउंड में नहीं चाहिए कि ये बैकग्राउंड में चलती रहे, जो इंपॉर्टेंट है वो ही मुझे चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम मुझे चाहिए, और ये गेम भी नहीं चाहिए मुझे, और ये गूगल मैप्स, और ये गूगल एड्स, जीमेल मुझे चाहिए। और जैसे मतलब आपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना है जो ऐप्स आपको चाहिए कि बैकग्राउंड में चलती रहें, और बाकी जितने भी बेफालतू के ऐप्स हैं उनको आपने बंद कर देना। इससे आपके फ़ोन की बैटरी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी, और दूसरा आपका फ़ोन जो है वो हीट नहीं होगा। तो मेक श्योर कि बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को आप कस्टम करें अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो ऐप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको ऑन रखें, बाकी को बंद कर दें। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा आपका बैकग्राउंड में काम करती रहती है और आपका जो फ़ोन है हीट होता रहता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, जब आप लेफ्ट स्वाइप करते हो तो बहुत सारे विजिट्स आ जाते हैं जो कि एप्पल के डिफॉल्ट होते हैं। तो ये जो विजिट्स हैं ये आपकी बैकग्राउंड में बैटरी खाते रहते हैं। तो यहाँ पर आपने एक काम करना है, जो आपके काम के हैं वो ही रखना है, और बाकी को आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और बैटरी खाते रहते हैं। तो जैसे ये विजिट्स मेरे किसी भी काम के नहीं हैं, तो मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। बस मुझे ये वेदर वाला चाहिए और एक कैलेंडर चाहिए, और बैटरी नोटिफिकेशन के लिए मुझे नहीं चाहिए भाई, क्योंकि मैं वैसे देख सकता हूँ कि कितनी परसेंट बैटरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं डेली काफ़ी हैवी यूज़ करता हूँ अपने फ़ोन का, 7-8 घंटे मेरा यूज़ होता है, और फिर भी मैं इसे हीट होने नहीं देता हूँ। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी फालतू के विजिट्स हैं उनको आपने रिमूव कर देना, जो आपके काम के हैं सिर्फ उनको ही रखें, ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, तो आपका फ़ोन जो है वो हीट होते रहता है जैसे आप कोई साथ में और काम करने लगते हो। तो ये आप बंद कर दोगे तो आपका फ़ोन हीट होने से बच जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं सेटिंग और टिप भी कहूँगा इसे। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बहुत सारी ऐप्स भर के रखी हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपके काम की ऐप्स हैं सिर्फ आपने उनको ही रखना है, उनके अलावा जो भी ऐप हैं उनको आपने रिमूव कर देना है। और अगर आप ऐप्स को बहुत ही कम यूज़ करते हो तो आप एक काम कर सकते हो, सेटिंग में आ जाओ, और सेटिंग में आने के बाद उन ऐप्स को आप ऑफलोड कर सकते हो। तो ऑफलोड कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। आपने स्टोरेज में आना है, तो स्टोरेज यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, तो ये स्टोरेज में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर जितने भी ऐप्स हैं वो आपकी शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ ऐप्स हैं जिनका मैं बहुत ज़्यादा कम यूज़ करता हूँ, तो जैसे एयरटेल की ये ऐप होगी, और बहुत ज़्यादा डाटा ये लेती भी है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। तो मतलब ये डाटा लेती रहती है, तो मैं इसे ऑफलोड कर दूंगा।
तो ये मेरी ऐप जो है ये ऑफलोड हो चुकी है। तो ऑफलोड करने का फायदा ये है कि जब आप फिर से रीइंस्टॉल करोगे तो आपका जो डाटा है वो सारा सेफ रहता है। तो इस तरह से आप ऐप को ऑफलोड करके रख सकते हो। और यहाँ पर एक और सेटिंग है जो कि ऑटोमेटिकली आपकी ऐप को ऑफलोड कर देती है। तो उसके लिए आपको ऐप स्टोर में आना है। तो यहाँ पर आपने ऐप स्टोर में आने के बाद नीचे आपको एक सेटिंग दिखाई दे रही होगी ऑफलोड अनयूज्ड ऐप, तो ये ऑटोमेटिकली ऐप्स को जो है ऑफलोड कर देता है। अभी नेक्स्ट टिप भी आपको दे देता हूँ। तो नेक्स्ट टिप में हमने फिर से आना है स्टोरेज में। तो हमारा स्टोरेज में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा 128GB वाला ये डिवाइस है, तो इसकी काफ़ी हद तक स्टोरेज फुल हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखो कि आपकी कौन सी ऐप जो है वो ज़्यादा स्टोरेज ले रही है। तो ये जो फाइल्स है ये मेरे 23.7GB स्टोरेज ले रही है। ये सिंगल ऐप ही बहुत ज़्यादा स्टोरेज हमारी ले रही है। फोटोज़ हमारे 15GB ले रही है, केएम प्लेयर हमारा 7.3GB ले रहा है। बाकी ऐप्स का भी आप देख सकते हो कि कौन सी ऐप के अंदर आपका कितना डाटा स्टोर है। तो यहाँ पर जैसे फाइल्स यहाँ पर 23GB ले रही है, तो यहाँ पर आपको एक बार फाइल्स में लेके चलता हूँ। तो ये मेरा फाइल्स है, तो यहाँ पर मैं आपको सबको दिखाता हूँ। यहाँ पर फाइल्स में आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रही है, iCloud डिवाइस ऑन माय आईफोन एंड रिसेंट डिलीटेड, और ये हमारे टैग्स हैं नीचे, और नीचे उसके बाद आता है डाउनलोड। तो यहाँ पर सिर्फ 4 सॉन्ग भरे हुए हैं जो कि KB में है, और 2 मेरे MB में है, 8.4 MB और 3.9 MB। तो इसके अलावा जो है वो डाटा है ही नहीं फ़ोन में इस ऐप में। तो ये जो है ये डाटा यहाँ पर क्यों शो हो रहा? तो ये एक्चुअली ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ डाउनलोड कर लेते हो तो उससे जो डाटा होता है वो सेव हो जाता है पर हमें शो नहीं होता है। तो आप यहाँ पर स्टोरेज में आ जाओ और यहाँ से आप ऐप को ऑफलोड कर दो और एक बार डिलीट कर दो, और उसके बाद आपको फिर से डाउनलोड करना होगा इस ऐप को। तो ये मैंने ऐप यहाँ से उड़ा दी है, यहाँ से होम पेज से भी उड़ गई है। तो यहाँ पर अभी मैं फिर से आऊँगा और यहाँ पर फाइल्स में सर्च करूँगा। तो ये मैंने सर्च किया फाइल्स और ये आ गया है फाइल्स, और ये डाउनलोड हो गया और ये हमारा फिर से एकदम नया जैसा हो चुका है। और यहाँ पर अब स्टोरेज में एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारी जो स्टोरेज है वो फिर से खाली हो चुकी है। तो इस तरह से आपकी जो ऐप्स हैं, अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि डाटा मेरे फ़ोन में है नहीं और ऐसे भरा हुआ है बेमतलब का, तो इस तरह से आप अपने जो डाटा जो एक तरह से हाइड हो चुका है आपने डाउनलोड करके रखा है, और उसके बाद आईफोन में होता है आपको पहले सेव करना पड़ता है, उसके बाद ही आप एक से दूसरी जगह अपने किसी विंडोज़ में ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो ये सब कुछ होता है आईफोन में। अगर आपके पास मैक है तब तो ईजी है। तो आप इस तरह से जो स्टोरेज है उसको भी खाली कर सकते हो। तो मेन बात तो ये है कि आपके फ़ोन की जितनी स्टोरेज है उसको आपने पूरा भर के नहीं रखना है, उसको आधा भर के रखना है या उससे भी कम रखना है। उससे ये होता है कि आपका फ़ोन जब वो हीट नहीं होता, ज़्यादा स्टोरेज की वजह से फ़ोन हीट होता है। तो ये भी एक फैक्ट है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपकी स्टोरेज को ज़्यादा भरने नहीं देना है। यहाँ पर अगली सेटिंग और टिप की बात करें तो आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने सीधा आना है बैटरी में। बहुत सारे लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सी ऐप आपका कितनी बैटरी खा रही है। तो यहाँ पर जैसे नेटफ्लिक्स हो गया मेरा 43% बैटरी, तो ये सिंगल ऐप ही खा गए। तो आप डेली बेस पर भी आप देख सकते हो, लास्ट 10 डेज का डाटा भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मेरे डिवाइस में ये क्लैश ऑफ क्लैंस जो है ये सबसे ज़्यादा बैटरी खाती है। अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐप तभी आप रखें, वरना उस ऐप को आप बंद कर दें। और इस ऐप का आपने वो भी देखना है कि ये बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑन है या ऑफ है। अगर ऑन है तो आप बंद कर दें अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो अगर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो आपने उस ऐप का यूज़ करना कम कर देना है। और यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हो, अगर आपको हैबिट है कि आप बहुत सारे ऐप्स को ओपन करके रखते हो, तो जैसे हमने सेटिंग में देखा कि ये ऐप क्लैश ऑफ क्लैंस हो ये सबसे ज़्यादा बैटरी खा रही है, तो ये आपने यहाँ से किल कर देना है इसको। जितने भी ऐप्स आपने मिनिमाइज करके रखे होते हैं बैकग्राउंड में, तो उनमें से जो भी ऐप आप यूज़ करते हैं उनको ही रखें, बाकियों को आप रिमूव कर दें। ये भी फोकट में आपका फ़ोन हीट करते रहते हैं और जो बैटरी भी है वो भी ड्रेन होता रहता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है अगर आप अपने फ़ोन को हीट होने से बचाना चाहते हो। यहाँ पर अगली सेटिंग आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पर्सनली इसको ट्राई किया है, तो मैंने 5 दिन तक अपने जो है एप्पल सीरी को इसको बंद करके रखा है और 5 दिन तक ऑन करके रखा है। तो मैंने एनालाइज किया था कि किसमें जो है वो फ़ोन ज़्यादा हीट होता है और किसमें फ़ोन जो है वो कम हीट होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सीरी सर्च है, आप इसे चाहें तो ऑफ कर दें। अगर आप इसका यूज़ नहीं करते हैं या बहुत ही कम करते हैं, तो आप इसे ऑफ रखोगे तो आपका जो फ़ोन है वो कम हीट होगा, और अगर आप इसे ऑन रखोगे तो आपका फ़ोन जब वो बैकग्राउंड में ये काम करते रहते हैं तो आपका फ़ोन भी हीट होता रहता है। मैं तो यूज़ करता रहता हूँ अपने सीरी को, तो मेरे तो काम की
सीरी है, और आप चाहें तो अगर आपको फोन बहुत ही ज्यादा हीट हो रहा है तो आप कुछ टाइम के लिए अपनी सीरी को बंद करके रख सकते हो। आप अपने हिसाब से देख लेना, सीरी को बंद कर देना थोड़ी बहुत देर अगर फोन बहुत ज्यादा हीट हो रहा है। तो गाइस अब नेक्स्ट सेटिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने आना है नोटिफिकेशन में। तो जो हमारी नोटिफिकेशन होते हैं ये भी बहुत ज्यादा हमारी बैटरी खाती है और फोन को भी हीट करती है। तो ये बहुत सारी एप्स हैं, तो जितने ज्यादा एप्स होंगी उतनी ज्यादा नोटिफिकेशन आएंगी। तो आपने यहाँ पर एक काम करना है कि नोटिफिकेशन में आ जाना है, जो इंपॉर्टेंट एप्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपने ऑन रखने और बाकियों के आप बंद कर सकते हो। तो जैसे आप ये देखो मैंने अमेजोन की नोटिफिकेशन बंद कर दी। तो आपने अपने हिसाब से देख लेना है जो एप्स बैटरी ज्यादा खा रही हैं और उनके बेमतलब में नोटिफिकेशन ऑन है उनके आप बंद कर दें, और जो इंपॉर्टेंट है उनकी ही आपने ऑन रखनी है और बाकियों की बंद करनी है, वरना आपका फोन जो है वो फोकट का हीट होता रहेगा। यहाँ पर गाइस अगली सेटिंग की बात करते हैं। तो जब भी हम अपने आईफोन का कैमरा यूज करते हैं, अगर आप ज्यादा देर तक आईफोन का कैमरा यूज करते हो तो हमारा फोन जो है वो हीट होना शुरू कर जाता है। अगर आप धूप वगैरह में कैमरा को यूज करते हैं तब तो डेफिनेटली आपका फोन जो है वो जल्दी हीट होना शुरू हो जाता है। उसके पीछे एक रीजन भी है। तो आपने आना है सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद आपने आना है प्राइवेसी में, प्राइवेसी में आने के बाद आपने आना है लोकेशन एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, जो हमारा कैमरा है यहाँ पर आप इसकी लोकेशंस को बंद कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर रहा हूँ, तो इससे ये होगा जब आप कैमरा का यूज करोगे तो ये हमारी लोकेशन नहीं लेगा और फोन जो है वो काफी हद तक हीट नहीं होगा। तो ये फायदा है, पर इसका एक नुकसान है कि आप अपने फोटोज वगैरह की जो हिस्ट्री होते हैं वो नहीं देख सकते कि वो आपने कहाँ पर क्लिक किया था। तो नॉर्मली वैसे आप देख सकते हो, आपका आईफोन आपको बता देता है कि आपका फोटो आपने कहाँ पर क्लिक किया था, फोटो वीडियो जो कुछ भी है। तो इसको सेटिंग को आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर नीड है आपको तो आपने ऑन रखना है, वरना आपने इसे बंद कर देना है। वैसे मैं एंड्रॉयड यूज करता तो मैं इसे बंद ही रखता था। तो आपने अपने हिसाब से देख लेना। और यहाँ पर आपको कुछ और एप्स भी दिख जाएंगे जो कि आपकी लोकेशन ले रही है बैकग्राउंड में, तो आप चाहे तो इनको बंद कर सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना। और यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट सेटिंग भी होती है, तो यहाँ पर आपने देख लेना, एक बार पढ़ लेना है, बेमतलब की बंद मत कर देना, क्योंकि आप अपने फोन को कहीं गुम कर जाते हो या फिर कहीं चोरी हो जाते हो तो फाइंड माई ऐप से आप ऐसे ढूंढ पाओगे, वरना आपका जो फोन है वो आप ढूंढ भी नहीं पाओगे। तो इस बात का आपने ध्यान भी रखना है। और यहाँ पर गाइस कुछ और सेटिंग्स हैं जो कि आपके फोन को हीट करते हैं। यहाँ पर मैंने पर्सनल ट्राई किया है, अगर आपका फोन फुल ब्राइटनेस पर रहता है तो जल्दी ज्यादा हीट होता है। इसको थोड़ा सा आपने अपने अकॉर्डिंग ही रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा ब्राइटनेस पर यूज करोगे तो ज्यादा हीट होगा। तो गर्मियों में आपने अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना है इस बात का भी। और अगर आपका वाईफाई और साथ में मोबाइल डाटा दोनों ही ऑन रखें, अगर आप वाईफाई यूज करें तो मोबाइल डाटा को बंद कर दें, अगर आप वाईफाई यूज नहीं कर रहे हैं और आप मोबाइल डाटा यूज करें तो वाईफाई को बंद कर लें, वरना ये वाईफाई आपका वाईफाई की रेंज को ढूंढता रहता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और एक और बात, अगर आपने सेटिंग में अपना हॉटस्पॉट एक बार ऑन करके रखा था तो वो ऑन ही रह जाता है डिफॉल्ट, तो आपने उसको बंद करके रखना है, उससे भी आपका फोन जो वो हीट होता रहता है। और गाइस यहाँ पर आपको एक और बात बता देता हूँ, आपने अगर सेटिंग्स अपनी खराब कर दी कभी भी अपने आईफोन की, कि आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे, फिक्स नहीं कर पा रहे हो, आपने कोई सेटिंग खराब कर दी, आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि ये सेटिंग मैंने खराब कर दी, तो आप एक काम कर सकते हो, अपने फोन की सिर्फ सेटिंग को रीसेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो आपने सिर्फ ऊपर आना है, यहाँ पर सर्च करना है रीसेट, यहाँ पर आप आ जाओ रीसेट, तो यहाँ पर आप रीसेट ऑल सेटिंग के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप अपने फोन को पूरी तरह से रीसेट कर सकते हो, मतलब सेटिंग्स को पूरी तरह से रीसेट कर सकते हो। उससे आपका डाटा वगैरह लॉस नहीं होगा, सिर्फ जो सेटिंग्स है वो ही रीसेट होगी। और बैटरी को चार्ज कर लें रीसेट करने के पहले, और रीसेट होते टाइम आपने बिल्कुल भी फोन को छेड़ना नहीं है, वरना आपका फोन जो वो खराब हो सकता है। अगर अपडेट के बाद भी कोई प्रॉब्लम आई है तो इससे आप अपनी सेटिंग को रीसेट कर सकते हो। तो गाइस अभी आपने सेटिंग्स तो देख ली, अब कुछ टिप्स बता देता हूँ जिससे आपका फोन जो वो हीट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपका जो चार्जर होता है वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपका हीट होने के लिए। तो अगर आप एप्पल के अलावा किसी और ब्रांड का चार्जर यूज कर रहे हो तो मत करो यार, उससे आपका फोन जो वो हीट होगा और उससे बैटरी भी खराब होती है आपकी, और आपको फोन को भी अच्छा नहीं होता है। अगर आप एप्पल के अलावा किसी और ब्रांड का यूज कर रहे हो तो वो मेड फॉर आईफोन होना चाहिए, एप्पल वेरीफाइड होना चाहिए, वरना आपके फोन के लिए वो अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं कि अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ को बचाने के लिए फास्ट चार्जर यूज करें या फिर 5 वॉट का चार्जर यूज करें। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर आप फास्ट चार्जर भी यूज करें तो उससे बैटरी हेल्थ को फर्क नहीं पड़ता है, आपका जो फोन है वो हीट होता है उससे बैटरी हेल्थ को फर्क पड़ता है। अगर आप 20 वॉट का चार्जर यूज कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि 20 वॉट की वजह से आपका जो फोन की बैटरी है वो जल्दी खराब हो रही है। यहाँ पर आपका फोन जो हीट होता है उससे बैटरी हेल्थ वो जल्दी खराब होती है, जो फास्ट चार्जर होते हैं वो आपके फोन को हीट करते हैं तो उससे जो है बैटरी हेल्थ पे फर्क पड़ता है। अगर आप फास्ट चार्जर का यूज कर रहे हो तो आपने अपने फोन की बैटरी को बहुत कम नहीं होने देना, 30% के नीचे नहीं होने देना। अगर आप उससे नीचे पे फास्ट चार्जर यूज करते हो तो फास्ट चार्जर जब लो से फोन को फुल चार्ज करता है तो
उसमें फोन जो वो हीट होता है फास्ट तो बड़ी जल्दी कर देता है, वो फोन हीट होता है उससे बैटरी हेल्थ खराब होती है। अगर आप स्लो चार्जर वहीं पर यूज करते हो तो फोन जो वो हीट नहीं होता और बैटरी हेल्थ जो वो बनी रहती है। तो यहाँ पर रात को मैं अपने फोन को चार्ज करता हूँ, तो मैं रात में छोड़ देता हूँ अपने फोन को, तो मैं 5 वॉट का चार्जर यूज करता हूँ। और एक और बात, सेटिंग में जाओगे आप बैटरी हेल्थ में, तो यहाँ पर आपको बैटरी हेल्थ में एक ऑप्शन मिलेगी ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग, तो उसको आपने ऑन रखना है अगर आप रात को फोन को चार्ज करते हो। उससे ये होता है कि 80% तक आपका फोन चार्ज हो जाए, उसके बाद आपका फोन जो है वो स्लो चार्ज होगा। तो आपने इस सेटिंग को ऑन करना है अगर आप रात को यूज करते हो, वरना आप अपने फोन को रात को चार्ज ना करें। और एक और बात, जो हमारा केस होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गर्मी में आप एक काम कर सकते हो कि थोड़ा लाइट केस यूज करो, मतलब उसमें थोड़ा सा हवा का जो है फ्लो बना रहे, वरना अगर आप कोई हैवी वर्क करोगे तो फोन जो वो ज्यादा हीट होगा। तो ये छोटा जैसा ये 5 वॉट का चार्जर काफी बढ़िया चार्जर है, मेरा रेगुलर यूज के लिए ये रहता है, जब मुझे जरूरत होती है तब मैं फास्ट चार्जर यूज करता हूँ। और यहाँ पर जैसे मेरे पास ये वायरलेस चार्जर भी पड़ा है, तो इस पे भी जब आप चार्ज करो तो आपने एक बात का ध्यान रखना कि आपका फ़ोन जो है वो हीट नहीं होना चाहिए। किसी भी ब्रांड का हो, चाहे एप्पल का, खुद का ही आप वायरलेस चार्जर यूज़ करो तो आपका फ़ोन हीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है ये थोड़ा फ़ोन को ज़्यादा हीट करते हैं, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो गाइस अभी आपने लगभग सारी वीडियो देख ली, अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता हूँ, जो सेटिंग आप करोगे तो आपका फ़ोन कभी भी हीट नहीं होगा, एकदम ठंडा रहेगा जैसे हमारे हिमाचल का यहाँ पर मौसम रहता है। तो उसके लिए आपको नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा देना है, उसके बाद आपका फोन जो है वो हमेशा ठंडा रहेगा। तो गाइस ये थी हमारे आज की वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मैं तो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।